अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि परिसर में आप कोदंडराम की 5 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए भेजी गई है, जिसे कार्सेवकपुरम में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रखवा दिया है। ये प्रतिमा विशेष धातु से तैयार की गई है, इसे मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। मंदिर निर्माण के लिए 40 फुट गहराई तक हटाए गए मलबे को अब भरे जाने का कार्य ग्राउंड इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। वहीं मंदिर निर्माण व राम जन्मभूमि परिसर के विकास में अपनी भावना के अनुसार सहयोग दे रहे हैं, जिसको लेकर राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा लगाए जाने के लिए ग्वालियर के राम भक्त द्वारा मेटल कोटेड फाइबर धातु से बनी भगवान राम की कोदंड प्रतिमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई है। कलाकार हैं, चित्र मूर्तिकार हैं, उन्होंने फाइबर की कोई प्रतिमा बनाई भगवान राम की खड़ी, और उनकी कल्पना है कि राम ने जब लंका के रावण पर विजय प्राप्त कर ली, माता सीता मुक्त हो गई, उस समय भगवान को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, उस प्रसन्नता को चेहरे पर दर्शाया गया है। मेटल कोटेड फाइबर है, अच्छी बड़ी है, 5 फीट लंबी है, कोदंड है। श्रद्धा थी, हमें तो मालूम नहीं था, फोन आया हम आ रहे हैं तो आने वाले को कौन रोकेगा, अयोध्या में रख गए। सर इसको अब सोचेंगे क्या करना है इसका, रामलला सोचेंगे। सर एक 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 लास्ट सवाल।